नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का आज वेलकम है। और जैसे कि आप आज वीडियो में देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि सभी आपको एक टाइप की एक ही तरह की गायें मिलेंगी जो कि वीडियो में कवर होने जा रही हैं, और सभी के टैग लगे हुए हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि जो आज के काउस के सारा लॉट है वो सेल हो चुका है। और आज के लॉट में 40 एनिमल्स हम कवर करने जा रहे हैं जो कि महाराष्ट्र नासिक में जा रहे हैं। और नया डेयरी फार्म है, बहुत ही अच्छे और यंग ब्लडेड एनिमल्स इनको लिए हैं पूरे रिकॉर्ड के साथ, जिनके सीमन डिटेल्स, मदर डिटेल्स। और कोई भी गायें, आपको ये बताना चाहूँ कि 7.5 क्विंटल से कम बॉडी वेट की नहीं है, तकरीबन मान के चलिए 2 दांत 4 दांत गायें ही हमने प्रेफर की हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आगे आने वाला है। यंग एनिमल्स लेके 2 लीटर दूध की प्रोडक्शन आपको कम मिले पर अच्छा मिले, क्योंकि यंग एनिमल्स को बीमारी कम आती है और मस्टाइटिस की प्रॉब्लम बिल्कुल ज़ीरो रहती है। आगे चल के ब्रीड पे आपने काम करना है तो 4-5 लैक्टेशन तक आप एनिमल्स को सेल करने की सोचोगे नहीं। तो आज की वीडियो में जो मेन एनिमल्स हैं मैं आपको सारे कवर करूँगा, जैसे कि अदंत बछड़ी है अभी 1 महीना कच्ची, फिर 15-20 दिन कच्ची फर्स्ट टाइमर बछड़ियाँ हैं जो कि आपके सामने है, कॉम्पैक्ट ऑर्डर के पूरे काउस हैं जो कि हमने कई फार्मों में घूमे, किसानों के पास से और सब जगह से 2-2 4-4 करके अच्छे एनिमल्स का पूरा लॉट रेडी किया है। एक अच्छा फार्म अगर चलाना हो तो देखिए, फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर एनिमल्स आपको लंबे समय तक रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इस लैक्टेशन में ये गायें नॉर्मल टू नॉर्मल में मान के चलूँ कि ये 25 लीटर की गायें हैं तो अगले लैक्टेशन में ये 35 लीटर नॉर्मल देगी, 35 से 40 लीटर भी, क्योंकि ब्रीड लेवल पर इनका कोई वो नहीं है कमी, क्योंकि जितनी भी अभी इनकी काउस हैं तो उनमें 80% फीमेल काव्स ही आ रहे हैं। तकरीबन 8 गायें इनकी काव्ड हो चुकी हैं और उनमें से 6 की बच्चियां हैं, 2 बच्चे आए हैं फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर सारी काउस। तो मैं आपको मेनली सारे एनिमल्स तो दिखा पाऊँगा कि आज कितने अच्छी क्वालिटी के और यंग काउस हैं। जिन्होंने परचेज की हैं उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे और सारे ही वीडियो में डिटेल वाइज आपको बताएंगे कि कैसे इनकी सिलेक्शन हुई और कितना टाइम लगा, क्योंकि ये आज से नहीं तकरीबन 4 महीने से इनसे बात चल रही थी एनिमल्स की ख़रीदारी के ऊपर। तो ये भी देख लीजिए, लगभग 5 फीट 6 इंच 7 इंच के आसपास की काऊ है, ये भी तकरीबन अभी 20-25 दिन कच्ची। और बॉडी वेट गाय का आपको देख के पता चल जाएगा कि गायें कितनी बढ़िया अच्छे से संभाली हुई है फार्मर ने। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जिन्होंने परचेज करी है उनसे फार्मर से भी बातचीत करके अपने दिखाते हैं। आइए यार। और हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? संदीप रहाने नासिक से। और कितनी कैपेसिटी का फार्म है आपका अभी जो आपने बनाया है? 100 गाय का फार्म बनाया है। 100 गाय उसका फार्म है, तो अभी 40 एनिमल आपने खरीदे हैं। हाँ। तो कैसी रही आपके इस बार की परचेज? एकदम अच्छी रही, हम भी 4 महीने से सर्च कर रहे थे चोपड़ा डेयरी फार्म से, जो जो गाय गई उधर महाराष्ट्र में उनके पास सब जाके आए, देख के आए, सबके पास देख के आए, इसके बाद हम इधर आए। तो एक तो ये बात होती है कि आजकल बहुत सारी वीडियो चल रही है जिसमें कम रेट वाली गायें भी मिलती है, मंडी की भी वीडियो देखते हैं आप लोग, तो जो ये काउस आपने परचेज करी और मंडी की गायें या फिर जो लोकल समझो कि लोकल व्यापारियों की गायें, उसमें फार्म की गायें का क्या डिफरेंस रहता है? ब्रीडेड नहीं आती वो, ये ब्रीड बहुत अलग ही है। आप मंडी के बारे में भी बोल रहे थे तो मंडी भी आप घूमे? आज मंडी भी आज घूमे, मंडी में इतना। तो इस लेवल की आपने कितनी गायें देखी, मतलब जो आपने ब्रीडेड काउस भी नहीं दिखाई थी, मतलब इतने एनिमल्स में 2-4 गायें भी आपके जो परचेज के लेवल की वैसी नहीं मिली नहीं। जो आपने खरीदी हैं, तो एक बार आप गायें के पास में जाके गायें की हाइट वाइट पूरा दिखाना चाहेंगे कि हम किस लेवल की काउस है आपकी। ये बछड़ी के बारे में भी बताइए आप, ये बछड़ी कैसी है और कितनी उम्र की है बच्ची? ये 22 महीने की ऑन रिकॉर्ड बच्ची है, अदंत है जी, 20-22 दिन कच्ची है फर्स्ट टाइमर। और ब्रीड क्वालिटी के ऊपर आप देख लीजिए, WWS की है वर्ल्ड वाइड की, और इतनी शानदार बच्ची है कि हाइट 5 फीट अभी है इसकी, और सेकंड टाइमर गायों के बराबर बॉडी वेट इसका है, फार्म की परचेज है। इसके बाद जो अगली काउ है सेकंड टाइमर, संजय खोलिए रखा है, इसकी हाइट कितनी है? ये भी 5 फीट। तो ये देख लीजिए, आपको दूसरी तरफ से पता चल जाएगा कि हाइट कितनी शो कर रही है गाय, और यही खोल के दिखा दे एक बार चला के, 5 फीट से 5.5 फीट के नॉर्मल हाइट की है, 20-22 दिन कच्ची है जी। तो ये 4 दांत है बच्ची जो सेकंड टाइमर में,
फर्स्ट में अदंत ने बच्चा दिया था, अभी सेकंड टाइमर चार दांत बची है। कोई भी काउज आप खरीदो तो पहले दांत चेक करके हमेशा खरीदनी चाहिए, और हमने भी जितनी काउज इनको दी हैं सभी दांत चेक करके दी हैं, क्योंकि इनके पास भी यंग एनिमल्स जाएंगे तो उनका रिकॉर्ड इनके पास मेंटेन रहेगा। तो ये देख लीजिए हाइट वाइट कितनी है, दूसरी तरफ तो कोई खड़ा दिखाई भी नहीं देगा कि ये वेन्स हैं जी इसकी। ये देखिए ले जाओ घुमा के, ये देखिए कितनी हाइट बॉडी वेट की, बहुत शानदार गायें। और ऐसी गायें नॉर्मल ढूंढने से भी नहीं मिलती, मतलब अच्छे अच्छे फार्मों में बहुत टॉप क्लास के जहाँ पे ब्रीड लेवल पे काम हुआ है तब जाके ऐसी गायें अच्छी मिलती है। और ये देखिए कितना गैप है अभी इसमें, ये वाली भी खोल के दिखाइए, फार्म की ब्रीड है और बॉडी वेट देख लीजिए कितना बढ़िया बॉडी वेट, पीठ पुट्ठा पूरा, क्योंकि लॉन्ग रन में इन्होंने जाना होता है 1500 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है, तो जो गायें अच्छे बॉडी वेट में हैं दुबली पतली नहीं है वही ट्रैवल कर पाएगी। और काविंग के बाद तकरीबन अभी जैसे 20-25 दिन बाकी हैं तो नॉर्मली ये सेट हो जाती हैं वहाँ पे। ये देखिए ये देखो क्या ब्रीड है, और पीठ पुट्ठा बॉडी सब चीज में आप देखिए कि कितना बॉडी स्कोर गाय का अच्छा है, और टाइट अर्डर जैसे फर्स्ट टाइमर होती है, क्योंकि 2-3 लैक्टेशन लेने के बाद भी गाय का अर्डर ऐसे ब्रेक नहीं होता। तो ये देख लीजिए ले जाओ, तो बहुत शानदार गायें जो कि इस वीडियो में आपने देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारी सिलेक्शन ही इस टाइप की रहती है कि हम फार्मर को कभी भी लो लेवल की लो ब्रीड की काउज सजेस्ट नहीं करते, और टाइट अर्डर के यंग काउज ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इनकी भी परचेज 50 काउज की थी तो 50 की जगह हमने 40 सजेस्ट किया इनको, पर काय सब अच्छी एक से एक ऊपर होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो ये एक नंबर खोलना बच्ची, तो ये दो दांत की बच्ची है फर्स्ट टाइमर, और अभी 3 दिन की जनी हुई है, नीचे फीमेल काफ है, तकरीबन 28 लीटर खीस इसके नीचे रेडी है अभी। तो मेरे हिसाब से कम अगर ये 15-20 दिन मतलब पूरा इसको पीक पे लाते हैं तो ये 40 लीटर भी फर्स्ट टाइमर में दे सकती है, जो इसका हाइट और बॉडी वेट है। ब्रीड के ऊपर बहुत अच्छा काम किया हुआ, तो इसकी मिल्किंग हो चुकी है, देखिए फीमेल का बहुत शानदार है इसकी, ले जाओ। एक एक गायें इस वीडियो में देखने वाली हैं कि कितनी खूबसूरती से बांधो यहाँ पे, कितनी अच्छी कलेक्शन हुई है और गायें बहुत अच्छी हैं, अगर मेंटेनेंस इनकी बहुत बढ़िया होगी तो गायें इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। ये देखिए, और कैसी रही आपकी परचेज, मतलब आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा जैसे पंजाब में आए, आपको पंजाब में आए लेकिन घूम घूम के गाय ढूंढना पड़ती, किसी चीज की आपको दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ के? कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, कोई यहाँ आने जाने का रहने का कोई किसी चीज की आपको दिक्कत तो नहीं हुई? किसी को भी आना हो तो चोपड़ा फार्म पे आओ, और बाकी अपना मतलब आप जैसे बाय फ्लाइट आए तो आपको वहाँ से पिक करना और वहाँ पे छोड़ना पूरा अपनी जिम्मेवारी से हमने फॉलो किया, कि आपको भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपका जैसे था कि आपने मतलब जितने भी एनिमल्स किए जो रेट आपने बोला कि हमें इस रेट में करनी है, हमने रेट करके तो 1000-2000 का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, पर इससे ज़्यादा कोई भी रेट हमने अपनी तरफ से कोई भी 1 रुपया भी डाल के ज़्यादा गाय नहीं ली। जो अपने यहाँ से फार्म में से भी आपने परचेज करी, आपने फर्स्ट डील करी, तो हम जो आपने रेट बोला कि हमने इतने में फाइनल करनी तो उतने में ही फाइनल हुई आपकी गाय। और कुछ गायें इधर भी खड़ी हैं वो भी आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सारी तो वीडियो में पूरी कवर नहीं हो पाती, कई बार वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये देखिए अभी 1.5 महीने की कच्ची है, और बॉडी वेट इसका देख लीजिए तकरीबन 7.5 से 8 क्विंटल है, देखने वाला कोई भी इसको फर्स्ट टाइमर ही बोलेगा, बट सेकेंड में है ये, इसकी मदर जर्सी थी अभी ड्राई की हुई है, और 27-28 लीटर दूध दिया है इसने। इसके बाद वाली ये दो दांत ABS की स्ट्राइकर की बच्ची है, दो दांत बच्चा बहुत शानदार बच्ची है। फिर इसके बाद ये चार दांत बच्ची है, ब्लैक में है थोड़ी क्रॉस, क्योंकि फैट परसेंटेज के लिए ऐसी गायें बहुत बढ़िया रहती हैं। ये सबसे हैवी वेटेड जो दूध में है दोनों ये गायें हैं, जो फार्म की हैं, जो फार्म में से डायरेक्ट परचेज की गई है, और पहले दिन तो फार्मर ने हमें मना ही कर दिया था कि गायें बेचनी ही नहीं है, क्योंकि गायें भी 45 प्लस
जाती है और उनके हिसाब से 50 लीटर भी इस बार देना चाहिए इस गाय को। और ये गाय भी 50 से ऊपर की है, जो कि मिल्क वेन वगैरह बॉडी वेट आपको सामने दिख जाएगा इसका, क्योंकि तो गाय अभी कच्ची है 20-25 दिन, बट बॉडी वेट में बहुत शानदार। इसके बाद ये फर्स्ट टाइमर है, 4 दांत बच्ची, जो कि नॉर्मल टू नॉर्मल 30 लीटर मिल्क प्रोडक्शन करेगी, अभी कच्ची है थोड़ी सी। तो ये सब ब्रीड वाले एनिमल्स इन्होंने परचेज किए हैं, जिसका इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि जो जो गाय यहाँ पे काविंग हुई है उनकी भी मिल्किंग और उनके ही जो ब्रीड है बच्चे आ रहे बहुत बढ़िया इनको रिजल्ट देखने को मिला है। तो हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ कि अच्छा इनको फार्म सेटअप हो और फिर से ये दोबारा विजिट करे फार्म पे और अच्छे एनिमल्स परचेज करे। ये कुछ एनिमल्स इनके यहाँ पे भी जो काव्ड हो चुके हैं वो भी यहाँ पे हैं, और गाड़ी आ चुकी है इनकी, लोडिंग आज चालू है। तो बाकी अभी इनकी थोड़ी देख रेख करनी है एनिमल्स को, सबको कैल्शियम डाइट और सब चीज़ पूरा रिकॉर्ड इनको दे दिया गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इनकी लोडिंग भी कवर करेंगे, वो भी आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।